ये देखो, ये हमारे भाई हमारे लिए आग जला रहे हैं और एक अच्छी सी एक हमें पुराने कल्चर की हमें चाय पिला रहे हैं। ठीक है, जैसे चीनी रखी हुई है। और ये जब हम छोटे होते थे ना, इन कपों के अंदर जो है ना, हम पीते थे चाय। पुराना कल्चर है। ठीक है, और ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एक सिस्टम बनाया है। ये देखिए, जालों को यूँ रख के मैं कहता हूँ कि एक ज़बरदस्त और पुराने किस्म का एक तंदूर। ठीक है, और ये मैं कहता हूँ कि ये सामने एक फैक्ट्री है, मेरे थोड़े से एक किलोमीटर दूर आबास नगर है। और बिल्कुल सोने के अंदर ये एक रेस्टोरेंट, इन्होंने कहा एक रेस्टोरेंट नहीं, केवल ढाबा टाइप है। आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, ये देखो ये एक ढाबा टाइप है। ठीक है, और जब भी आप आए, मैं कहता हूँ इनके पास चाय भी होती है, पता नहीं खाना होता है नहीं होता। और थोड़े को क्या क्या होते हैं है? मक्की बाजरी के डोठे वगैरह, साग वगैरह। अच्छा जी, वो सुना है ना, मक्खी की रोटी, मक्खन नाल मकाई, ये इनके पास मक्खी मकाई भी होती है और साग होता है। ये इन्हें इसके साग है हाली भी, और मजे की गाल है, सब तुम्हें बटेर के अंडे भी दस्तयाब है सारे को। वाओ, आज सुना आपने, और बटेर के अंडे भी इनके पास होते हैं। और देखें, ये स्पेशल एक चाय बन रही है माशाल्लाह, और जो है ना मेरे लिए हार्ड वर्किंग की है। और इनके पास साग और मक्की की रोटी आपको मिलेगी। कितने कितने बजे मिल सी? सुबह 6 से रात 9 बजे तक। सुबह 6 से रात 9 बजे तक? बिल्कुल। आप ताज़ा बनाते हैं सारा? बिल्कुल सारा ताज़ा बने नहीं है ना? बिल्कुल। हाँ जी, ये बिल्कुल ताज़ा बनते हैं। सुबह 6 से रात 9 बजे तक इनके पास मकई रोटी और ये कल्चर। मैं कहता हूँ अगर लंबा सफ़र करके आ रहे हो ना, हासिलपुर से, भावल नगर से, और लाल चौरस से अगर इंजॉय करके आ रहे हो, तो यहाँ आप रुको। और ये चारपाइयाँ लगाई हुई हैं, चारपाई कल्चर भी दिया हुआ है साथ, एक घड़ा भी दिया हुआ है पानी का। हाँ, ये देखो चारपाई भी है यहाँ पे। और पीछे पुरानी एक ट्रेन है हमारे, पहले चलती थी, अभी भी कभी कभी चलती है। अभी आर्मी वाले इसको यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए। तो ये इस तरीके का इन्होंने एक ढाबा बनाया। ठीक है, बस अचानक मुझे, मैं जा रहा था स्पीड में, तो अचानक ही मैंने जो है ना ब्रेक लगाई है, तो मैंने कहा क्यों ना चाय पी जाए।